व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर धारुनिया पर। तो यार भाई, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज इस वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बड़ी सी विंड टर्बाइन। इस वाली विंड टर्बाइन का मैंने फर्स्ट पार्ट आप सभी को ऑलरेडी वीडियो बनाकर दिखा दिया है, अगर नहीं देखा हो तो उसको आप पहले देखिए, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना, क्योंकि अगर इस वाली वीडियो को नहीं देखा आप सभी ने तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वाली वीडियो के अंदर मैंने इसका जनरेटर वाला सिस्टम बनाकर दिखा दिया था। आज इस वाली वीडियो में इसके हम यहाँ पर विंग्स लगाएंगे और उसको यहां पर एक पोल के ऊपर खड़ा करेंगे और उसको ट्राई करेंगे यहां पर, ठीक है। तो चालू करते हैं इस वाली वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलते फटाफट से अपने स्टूडियो के अंदर। चलो तो यहां पर सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक पीवीसी पाइप, जिसके द्वारा हम बनाने वाले हैं इसकी पंखुड़ियां। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे घर के अंदर या फिर खेत के अंदर जो ट्यूबवेल लगती है, उसका यहां पर ये पाइप लेके आया हूं मैं, और इसी से हम बनाने वाले हैं यहाँ पर हमारी पंखुड़ी। तो सबसे पहले इसका मैं यहाँ पर मार्किंग ले लेता हूँ, और यहाँ पर 4 फीट का मैं इसकी साइज लेने वाला हूँ एक पंखुड़ी की, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी ये। और यहाँ पर मार्किंग लगाने के बाद इसको कट कर लेंगे इस जगह से। हमारे जो लोहे का पाइप है, इसके ऊपर की साइड में इस ब्लेड को हम इस टाइप से यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, और उससे यहाँ पर ये अच्छे से फिट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टाइप से मैंने इसको अटैच कर दिया है, और यहाँ पर हमारा जो ब्लेड है इस टाइप से थोड़ा मजबूत हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पूरा लंबाई तक इसको नहीं लिया, क्योंकि उससे क्या होगा कि इसका वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें ज़्यादा वजन नहीं रखना इसका। और जितने भी हमारे ब्लेड्स हैं उन सभी का ध्यान रखना होगा आपको, कि वेट बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये सिस्टम मैंने बनाया था, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, नहीं देखी हो आप सभी ने तो जा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सामने की डिस्क मैंने बनाई थी, इसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर 6 ब्लेड लगाने वाले। तो यहाँ पर सारे मैंने निशान लगा दिए। ये निशान कैसे लगाते आपको पिछली वाली वीडियो जो है उसके अंदर ईजिली मिल जाएगा सारा का सारा सिस्टम कैसे बनाया था।
अब यहाँ पर जो ब्लेड है उसको यहाँ पर इस टाइप से अटैच करना होगा। तो यहाँ पर हमें दो दो होल करने होंगे इस डिस्क के अंदर। तो यहाँ पर मार्किंग ले लेते हैं, उसके बाद होल भी कर। यार भाई इसको हमने खड़ा कर दिया, लेकिन यार एक प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हवा जो है नहीं चल पा रही है। और ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको हवा को चालू कर दे, बटन चालू कर तो हवा चलना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी मर्जी से चलती है। और जब मैं नॉर्मली वीडियो शूट करता हूँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हवा इतनी भयंकर तरीके से चलती है कि हमारा जो माइक है उसके अंदर इसकी आवाज़ आने लगती है, और मैं जो बोलता हूँ उसकी आवाज़ कम आती है, हवा की ज़्यादा आती है, भयंकर हवा चलती है। लेकिन जब हवा से मैं काम पड़ रहा है ना, मतलब विंड टर्बाइन को घुमाना है, तो ये बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ये, मतलब हमारे देशी भाषा में तो इसे एबली बोला जाता है तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, आप देख सकते हो, बिल्कुल फंका नहीं चल रहा है, बहुत हल्का हल्का चल रहा है, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है। और पानी भी बहुत तेज़ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर सुबह से पानी आ रहा है, मतलब कल भी पानी आ रहा था, कल भी हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे इसकी, और आज भी बस थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है पानी, तो हमने सोचा कि वीडियो शूट कर ले, लेकिन हवा जो है बिल्कुल ही बंद हो चुकी है यहाँ पर।
तो यार ये जो है अब हवा चलेगी उसका बाद ही काम करेगा, तो बिल्कुल हवा बंद हो गई है, अब क्या करें हम, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, हवा को चालू करें, तो हवा का इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यार भाइयों यार दिमाग इतना ज़्यादा खराब कर दिया इस हवा ने, क्योंकि जैसे ही हम कैमरे को रखते हैं कि हम वीडियो शूट बाद में करेंगे जब हवा चलेगी, तो थोड़ी देर के लिए चलती है, हमने यहाँ पर पूरा सेटअप करता है, कैमरा वैमरा वापस स्टार्ट करते हैं और वापस से बंद हो जाती है ये हवा, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो टाइम स्लिप हमने हमारा मोबाइल इसके ऊपर लगा दिया है, ताकि हमें पता रहे आप सभी को कि ये घूम रहा है रियली में, टाइम स्लिप में आपको दिख जाए सब कुछ। यहाँ पर मल्टीमीटर हमने सेट कर दिया है कि हमारा मल्टीमीटर पर ये कितना वोल्टेज दिखा रहा है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे हवा चलेगी हम जैसे हमारा कैमरा ऑन कर देंगे और आप सभी को पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हवा जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है यार, इसलिए वीडियो में है ना बहुत बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई यार। तो भाई अभी यार वोल्टेज हमारा दिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी कुछ देर के लिए हवा चली है इसके अंदर और देखो घूम रहा है अभी यार, हवा चल रही है थोड़ी बहुत, तो चला 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 चल गया चल गया चल गया, वापस बंद हो गया यार। चल जा भाई तेरा हाथ जोड़ी चल जा यार, हवा आ जा, ये तो चल जाएगा लेकिन हवा जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगा ये। तो अभी यार देखा आप सबने लगभग 30 वोल्टेज के आसपास ने निकाल दिया था, मतलब 30 वोल्टेज थोड़ी सी देर हवा चला था, थोड़ा सा घूमा था जिसके अंदर ये 30 वोल्टेज दिखा रहा था, वापिस चली 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 हवा चली। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के हल्के राउंड में घूम रही है, तो उसके बाद भी वोल्टेज जो हमारा बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया है, मैं जैसे कैमरे के सामने आता हूँ बंद हो जाता है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा आ रही है और यहाँ पर धीरे धीरे घूम रहा है, ज्यादा हवा नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी देख सकते हो यहाँ पर ये 15 वोल्ट 17 वोल्ट 15 वोल्ट 17 वोल्ट निकाल रहा है बहुत ही कम आरपीएम में घूमने के बावजूद, मतलब जो हवा है ना इतनी धीरे चल रही है कि आप देख सकते हो मेरे बाल के, हमारे जो सिर के बाल है वो भी नहीं हिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत घूम रहा है यहाँ पर और वोल्टेज निकाल रहा है यहाँ पर 15 से 20 वोल्ट के आसपास। तो जैसे हवा तेज चलेगी तो उस टाइम पर ये वोल्टेज ज़्यादा भी निकालने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना वोल्टेज यहाँ पर एसी करंट निकल रहा है हमारा। इंतजार करते करते हमें शाम हो चुकी है, लेकिन हवा जो है अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, मतलब चल तो रही है हवा लेकिन कुछ देर के लिए चलती है, जैसे अभी देख सकते हो ये वापस हवा चल गई है और यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कि लगभग 50 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, 50 वोल्ट 60 वोल्ट आसपास दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब जैसे हवा चलती है तो ये स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही मतलब हम शूट करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर हमारा हवा बंद हो जाती है। और यार भाई अभी जो हवा चलना स्टार्ट हो चुकी है वापस से, तो देख सकते हो कि यार मतलब 120 वोल्ट के आसपास इसने दिखा दिया था, वापस से बंद हो गया। अभी यार देख रहे हो यार कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इतनी भयंकर हवा कम हो चुकी है कि मतलब हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर ये चेंज हो गया है, मतलब हवा चल रही है लेकिन एक जैसी नहीं चल पा रही, मतलब थोड़ी देर चलती है उसके बाद वापस से बंद हो जाती है। तो भाई अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसके लिए बैठे रहें, क्योंकि सुबह से हम बैठे हुए हैं, अब शाम पर पड़ गई है, अब वीडियो को एडिट भी करना है, सब कुछ करना है, तो हम क्या करने वाले हैं इसको नीचे उतारेंगे और उतारने के बाद में आपको मैन्युअली इसको चलाकर दिखा दूंगा हाथ से कि ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है। और जिस दिन हवा चलेगी उस दिन ये ऑटोमेटिक हवा जनरेट करने लगेगा, तो यहां पे हम हटा देते हैं। सो फाइनली इस विंड मिल को हमने यहाँ पे लेटा दिया, क्योंकि यार ये जो हवा नहीं चलेगी तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको मैन्युअली चलाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर डायनामो से हमने वायर को कनेक्ट कर रखा है इस टाइप से, और जैसे मैं डायनामो को घुमाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, ठीक है, और जैसे हवा चलेगी इससे ज़्यादा स्पीड पे घूमने वाला है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर हमने बड़ा चक्रा लगा रखा है और इसमें जो घुमाने में कोई ज़्यादा लोड नहीं आ रहा, बिल्कुल देख सकते हो बिल्कुल धीरे धीरे घुमा रहा हूँ मैं बिल्कुल हाथ से, कोई ज़्यादा लोड नहीं आ पा रहा। और यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो 30 वोल्ट 40 वोल्ट के आसपास जनरेट हो रहा है। और अब यहाँ पर मैं आपको एक बल्ब लगा के दिखाऊंगा इसके अंदर, तो यहाँ पर मैंने एक बल्ब को अटैच कर दिया इसके अंदर, सेफ है 220 वोल्ट पे चलने वाला, और यहाँ पर जो डायनामो इसको मैं जैसे घुमाऊंगा तो हमारा जो बल्ब यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको ज़्यादा स्पीड से नहीं घुमा रहा हूँ, बस इसे हाथ से घुमा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा बल्ब जो है जनरेट होना मतलब चलना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपको देखना है इसका फुल पूरा प्रूफ तो आप मेरे जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने इसको इंजन के साथ में अटैच किया था वो उस वाली वीडियो को देख सकते हो, उस वाली वीडियो के अंदर इसने लगभग 1100 वोल्ट के आसपास जनरेट कर दिया था, क्योंकि वो हमारे हाथ में था, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं एक्सेलेरेटर करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक हमारा जो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो हमने बनाया ये हमारे हाथ में नहीं है, जब तक हवा नहीं चलेगी
तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो हमने पूरा प्रयास करा आपको वीडियो दिखाने का, लेकिन दो दिन से हम इसमें बैठे हुए थे लेकिन नहीं हो पा रहा था कुछ। तो हमने सोचा कि यार आप सब समझदार हो, आप सभी को पता है कि इसको मैंने बनाया था और ये भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, घूम रहा है, जैसे हवा चलती है हमारा वोल्टेज जनरेट कर रहा है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हवा अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है। जैसे हम इसमें कुछ कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा जो है हवा बंद हो जाती है और वापस से हमें बैठना पड़ता है। तो हम सुबह से बैठे हुए आप सभी के सामने, छत के ऊपर बैठा हुआ अभी, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और मुझे पता है कि यार लाइक तो ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि यार मेहनत हमने काफ़ी करी लेकिन हवा ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।